अनबॉक्स करते हैं। पहले तो ऐसा कुछ पैकेजिंग आया है एंड इसको एक जिप लॉक भी दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एंड अभी तो गाइस बजे है कुछ अराउंड 3 एंड अभी मैं जा रहा हूँ नवसारी एक्चुअली, बिकॉज मेरे को कुछ कार की एसेसरीज लेनी थी। सो वो सब कुछ लेते हैं एंड चलते हैं नवसारी पहले। एंड कुछ काम भी है मेरे को, आज हेयर भी कट करवाना है बिकॉज आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं। एंड कल मैरिज में भी जाने का है, वैसे तो होपफुली नंबर लग जाना चाहिए वहाँ पे तो कटवा लेंगे, वरना ऐसे ही आ जाएगी कल सुबह जाके कटवा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले चलते हैं कार की कुछ एसेसरीज लेते हैं एंड कुछ थोड़ा सा काम भी है वो निपटाते हैं। डीजल भी फुल करवाना है और ये सब 3-4 काम है, इसके ऊपर ही आज वीडियो बनाएंगे हम लोग के लाइक एसेसरीज क्या लेता हूँ एंड टोटल मैंने कितनी एसेसरीज इंस्टॉल करी है आफ्टर मार्केट, वो भी आप इसके ऊपर पूरा वीडियो आज का होने वाला है। तो चलते हैं अभी नवसारी, जो अवेलेबल होता है सन वाइप्स और ये सब कुछ तो आज ही ले लेता हूँ एंड इसके ऊपर पूरा टोटल आप लोगों को वीडियो बना के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैंने क्या क्या अभी तक इंस्टॉल करवाया है अपनी कार में। तो चलते हैं अभी पहले एंड करते हैं सब कुछ काम कम्प्लीट। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही होगा कि हम लोगों ने अभी से शाउट आउट देना स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पे। सो गाइस काफी लोगों की अच्छी अच्छी कमेंट आती है वैसे तो। सो अभी आप लोगों को मैं नाम बता रहा हूँ जो शाउट आउट है, शाउट आउट के विनर रहते हैं हमारे। जो पहला नाम रहता है हमारा सिद्धार्थ कोथारी एंड थैंक यू ब्रदर फॉर कमेंटिंग ऑन आवर वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग थ्रू आवर चैनल एंड आवर वीडियोस एंड डेली ही आप लोगों को कमेंट करनी जरूरी है गाइस, तभी आप हम मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नई नए कंटेंट बनाने का एंड आप लोगों को भी मजा आएगा वैसे तो देखने में। एंड दूसरा भी हमारा एक विनर है आज का जो कि है कनिष्क यादव। थैंक यू ब्रदर फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, कीप कमेंटिंग कीप लाइकिंग ब्रदर। एंड अभी डेली ही मैं ऐसे ही आप लोगों का शाउट आउट दूंगा एंड अच्छे से जो भी कमेंट करेगा एंड जो भी हो सके इतनी मैं सभी आप लोगों की कमेंट्स की रिप्लाई देने के भी ट्राई करूंगा। एंड गाइस अभी तो कुछ ज्यादा रास्ता कवर किया है मैंने एंड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली कैमरा से बिकॉज मेरे फोन में बैटरी डेड है। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं पहले पेट्रोल पंप पे बिकॉज पेट्रोल डलवाना जरूरी है एक्चुअली डीजल। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि हाफ टैंक हो चुकी है ऑलरेडी, सो इसको डलवाना जरूरी है एंड एवरेज भी काफी अच्छी दे रही है अपनी कार अभी तो। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड फुल करवा लेंगे अभी तो चल जाएगा 10-1 दिन तो आराम से, बिकॉज ज्यादा दूर तक तो मैं चला था नहीं अभी तो, बिकॉज नजदीक ही वीडियो बनाने ये सब कुछ के लिए यूज करता हूँ एंड रोड ट्रिप्स भी डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आने वाली है। सो स्टे ट्यून फॉर डेट गाइस, अभी चलते हैं पहले डीजल फिल करवाते हैं एंड चलते हैं दूसरे काम कंप्लीट करने के लिए। आगे ऊपर करके बैठ जाएगा 2900 तक जाएगा, 50 लीटर बैठ जाएगा है ना तो, और 5 लीटर तो चला जाता है ना ऐसे ऑटो कट पर रखते तो 33 लीटर तो बैठे ही जाएगा। हाँ तो यहाँ से फ्यूल अप तो करवा लिया, कुछ अराउंड 3000 का डीजल आ गया एंड अभी अपना हो चुका है टैंक फुल, अभी कोई भी दिक्कत नहीं किधर भी चले जाओ। एंड पहले चलते हैं सिटी में बिकॉज सिटी में थोड़ी सी एवरेज डाउन भी होगी, थोड़ा सा कम तो होगा अभी एंड रेंज आ चुकी है कुछ अराउंड 872 की। सो एवरेज जब भी धीरे धीरे बढ़ेगी तो रेंज भी ऊपर आएगी, बट अभी कोई बात नहीं अभी चलते हैं एंड काम कम्प्लीट करते हैं अपना पहले सिटी में। गाइस एवरेज की क्या तारीफ कर दी, एवरेज एकदम कम हो गई सिटी में आते ही, देखिए ना कुछ अराउंड 12 की पहले तो दिखा रही थी, 9 से 13 पे आई, अभी धीरे धीरे इंक्रीज होगी वैसे तो, बट जैसे ही सिटी में एंटर हुए एवरेज डिक्रीज हो गई, मालूम नहीं क्यों। अभी से एवरेज की थोड़ी तारीफ करना कम करना पड़ेगा वरना एवरेज डाउन होती रहेगी। यहाँ पे पार्किंग मिलना इट्स लाइक फकिंग क्रेजी थिंग बिकॉज हर जगह फुल है, अभी किधर लगा हुआ ना रास्ते पे लगाएंगे तो पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे, सामने इस साइड पे है खाली वहाँ पे लगा दे वरना कट जाएगा अपना बड़ा वाला चलान नई कार में पहली बार, थंबनेल और टाइटल तो मिल जाएगा वैसे बट पैसे नहीं भरने हैं मेरे को ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पे पार्किंग मिल चुका है, अभी चलते हैं करते हैं काम अपना कंप्लीट, कुछ काम है यहाँ पे वो सब कुछ निपटाते हैं बाद में चलते हैं एसेसरीज। 20 मिनट्स लेटर। अरे यार ये भी क्या लगा के जाते हैं ऐसे,
सो गाइज अभी अपना नवसारी में तो सब कुछ काम खत्म हो चुका है, अभी चलते हैं हम लोग एसेसरीज वाले के पास, बिकॉज वहां से कुछ चीजें उठानी है, सो वो सब कुछ ले लेते हैं। एंड अभी तो मैं आया हूँ मेरी सिस्टर के साथ, तो कार पार्क करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती वैसे तो, सो वो गई है अभी सब कुछ सामान लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स हो या सब कुछ वो आती है, तब तक हम लोग अभी निकलते हैं एंड लेते हैं सब कुछ अपना एसेसरीज जो भी है बाकी लेने के लिए। सो अभी जाना पड़ेगा पूरे नवसारी को चक्कर लगा के घूम के, तभी जा पाएंगे उस रोड पे, बिकॉज फाटक से तो नहीं जाना मेरे को, बिकॉज वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक भी रहता है एंड कोई भी टच करके चला जाता है। चलते हैं अभी एंड एसेसरीज लेते हैं जो भी लेनी है। सो गाइज अभी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं हम लोग, पूरा नवसारी घूम के आना पड़ा इतने से काम के लिए, बट इसके ऊपर ही पूरा वीडियो रहने वाला है, तो वो लेना तो जरूरी है, बट होपफुली मिल जाना चाहिए वरना लग जाएगा हमारे। एंड अभी आगे ही है एक अपार्टमेंट में ही है स्टोर, सो देखते हैं एंड लेते हैं। अच्छा हुआ सन वाइप्स तो, एंड परफ्यूम भी लेना है जो इधर हम लोग हैंग करते हैं ना इसके ऊपर स्प्रे करने वाला आता है ना, वो ही चाहिए मेरे को, तो होपफुली मिल जाना चाहिए। मैंने सब कुछ ले लिया है एंड मैंने एक्चुअली लिया है सन वाइप्स जो कि कर्टन्स आते हैं हमारे यहाँ लगाने के, एंड मैंने एक परफ्यूम भी लिया है वो भी काफी अच्छे है। सो अभी मैं घर पहुंचते ही आप लोगों को पूरा सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ इसके बारे में। 20 minutes late. अभी तो हम लोग आ चुके हैं हमारे लोकेशन पे एंड अभी कुछ बजे है अराउंड 6 एंड अभी मैं आप लोगों को पूरा देता हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट आफ्टर मार्केट एसेसरीज विच आई हैव परचेज टुडे। सो जो भी मैंने आज सब कुछ परचेज किया है वो आप लोगों को बताता हूँ एंड वैसे भी मैंने ऑलरेडी आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ें भी इंस्टॉल करवा रखी है मेरी कार में, सो वो भी आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ एंड आप लोगों को प्राइस टू प्राइस बताऊँगा। सो आप लोगों को भी जब भी परचेस करना हो तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए एंड आप लोग इजीली परचेस कर सको। सो आप लोगों को अभी पूरी प्रोसेस भी दिखाता हूँ इंस्टॉल करवा के, बिकॉज मैंने कुछ परचेस करा है आज सन वाइप्स एंड परफ्यूम भी लिया है एक अच्छा सा, सो इसको भी आपके सामने ही अनबॉक्स करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। अभी आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस करा है आज। सो ये कुछ ब्रांड के मैंने आज लिए है सन वाइप्स जो कि कर्टन्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे विंडो पे लगाते हैं एक्चुअली। सो ये कुछ ऐसी कोई ब्रांड है एबल की, और ये कुछ मेरे को पड़े थे अराउंड 700 या 800 समथिंग के, और मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम थी बट मैंने कोई बार्गेनिंग भी नहीं की, वैसे भी ले ली बिकॉज काफ़ी चीप थी। मैंने ऑनलाइन भी देखा था, ऑनलाइन कुछ अराउंड 1300-1400 की थी, तो मैंने सोचा कि यही वर्थ रहेगी एंड काफ़ी प्रीमियम है। अभी आप लोगों को ये भी इंस्टॉल करवा के करके दिखाता हूँ एंड दूसरी चीज़ ये ली मैंने आज के ये परफ्यूम जो कि काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस देता है एंड मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में भी देखा है ये परफ्यूम के काफ़ी अच्छा रहता है। सो आज इसको भी ट्राई कर लेंगे हम लोग कि कितने टाइम तक चलता है एंड अभी आप लोगों को ये भी इंस्टॉल करके पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग पहले इंस्टॉल करते हैं सन वाइप्स, लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले तो ऐसा कुछ पैकेजिंग आया है एंड इसको एक जिप लॉक भी दिया है, तो काफ़ी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छा है बट ये भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने वहाँ ट्राई करके देखी है एंड पूरा कार हमारी जेट ब्लैक हो जाएगी अभी तो। सो ऐसा कुछ है सन वाइप्स, आप लोग देख सकते हैं अंदर कोई मैग्नेट वगैरह सब कुछ नहीं है बट डायरेक्ट ही हम लोगों को अंदर फिक्स करना पड़ता है। तो अभी हम लोग इंस्टॉल करते हैं पहले एंड देखते हैं लुक कैसा आता है। अभी हम लोग करते हैं इंस्टॉल इसको। सो एक ब्रांड टैग है जो इसको बाहर की साइड रखना है ताकि विजिबल हो सके एंड अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इधर फिक्स कर देने का है अंदर। सो वो तो एक्चुअली इजीली अंदर फिक्स हो जाता है बट मेरे को भी अभी तो हालांकि कुछ आइडिया नहीं है, बस इजीली अंदर एकदम इजीली फिक्स हो गया, कोई भी विंडो नीचे रोल डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह मैं पूरा फिक्स कर देता हूँ चारों चार विंडो में एंड तभी आप लोगों को पूरा वॉक अराउंड देता हूँ पूरे ग्लास का कि कैसा लुक आता है। अभी पूरा इंस्टॉल कर लिया है मैंने एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि पूरी कार हमारी जेट ब्लैक हो गई है एंड आप लोगों को दूर से दिखाता हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा आइडिया कि कैसी लगती है लुक। सो ये दोनों हम लोगों ने सन वाइप्स इंस्टॉल कर ली है अभी एंड ऐसा कुछ लुक आता है सामने से एंड एकदम भी अंदर से कुछ भी विजिबल नहीं रहता है, वही काफ़ी अच्छी है बात है क्योंकि अंदर से पूरा सनलाइट आती है अंदर, तो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आप लोग देख सकते हैं आगे एंड पीछे वाले में तो हमारे कंपनी में से ही इंस्टॉल आती है जो कि काफ़ी प्रीमियम रहती है बट अभी आप लोग देख सकते हैं इस साइड भी। सो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसा लुक आता है इसका एंड अभी काफ़ी प्रीमियम लग रही है हमारी कार, सिर्फ एलॉयज चेंज करवाने की देरी है।
सो गाइस अभी हम लोगों ने सन वाइप्स तो अंदर इंस्टॉल कर ली है एंड अभी बात करते हैं हम लोग परफ्यूम के बारे में। एंड मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग जब भी जहाँ पे भी चलान हो वहाँ पे जाके इसको यूज़ करें, बिकॉज मैं इसीलिए ली है मैंने कि जब भी मैं हाईवे पे चलूँ एंड वहाँ पे कोई भी रोकता नहीं है वैसे तो वहाँ पे कोई टाइम सनलाइट आ जाती है कार में तो दिक्कत होती है बैठने में, सो इसीलिए मैंने परचेस करी है। एंड जहाँ भी हम लोग पार्क करते हैं कार, लाइक हम लोग सब क्राउडी एरिया में पार्क करते हैं, लोग अंदर देखते हैं, तो वो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ भी अंदर रहती है कोई कोई बार, तो कोई उसको हम ना करें हमारी कार को एंड अंदर कोई देखे ना, इसलिए उस टाइम पे भी जब भी मैं रात को भी पार्क करता हूँ कार किधर भी पार्किंग में, सो जब भी ट्रैवल करूँगा तो इसीलिए मैंने इसको इंस्टॉल करूँगा उसी टाइम। एंड वैसे तो मैं सिटी में वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा बिकॉज इट्स इनलीगली इन अ सिटी एंड काफ़ी बार ट्रैफिक पुलिस रुकते भी है एंड चलान भी होता है इसका, सो मैं तो आप लोगों को डेफिनेटली नहीं रेकमेंड करता हूँ, बट ये आपके ऊपर है कि आप लोगों को यूज़ करनी है कि नहीं करनी है। वैसे तो सभी लोग करते ही है एंड आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी हम लोग कोई चीज़ के ऊपर फिल्म और ये सब कुछ तो नहीं डलवा सकते क्योंकि पूरी जेट ब्लैक करने के लिए काफ़ी बड़ा चलन है, अराउंड 20,000 का है, सो ये तो मैं नहीं कर सकता, तो इससे ही हमारा शौक पूरा भी हो जाएगा पूरी कार को ब्लैक करने में। सो गाइज अभी मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ ये परफ्यूम के बारे में जो कि है ये एंड इन्वॉल्व करके कोई ब्रांड है एंड काफ़ी अच्छी है, मैंने काफ़ी सुना है इस ब्रांड के बारे में एंड फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो पहले करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो हम लोग जब भी अनबॉक्स करते हैं ऐसी एक बोतल मिलती है हम लोगों को छोटी सी एंड अंदर परफ्यूम है एंड इसके साथ हम लोगों को मिलता है ये एंड अंदर कुछ ऐसा कुछ मिला है जो आप लोग देख ही लोगे। एंड अभी बात करते हैं हम लोग इसकी, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे हैंग कर देने का है इसको इजीली एंड यहाँ से अंदर इजीली रह भी जाता है ये, सो इसी तरह ये यहाँ पे रहता है। एंड अभी फील मेरे को अच्छे से पता नहीं है, नहीं ऐसे कुछ रहेगा यहाँ पे एंड हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस इजीली इसको ओपन कर देने का है एंड स्प्रे करना है, दो तीन स्प्रे कर देने के है यहाँ पे एंड आप लोग की अच्छी फ्रेग्रेंस भी मिलेगी। एंड आप लोग भी ये सब कुछ परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे तो लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। मैं वैसे तो आप लोगों को नहीं रेकमेंड करता ऑनलाइन, बट आप लोग जहाँ भी अपने स्टोर पे नज़दीकी स्टोर में जाकर भी ले सकते हैं एंड आप लोगों को आप लोग वैसे तो बार्गिन भी कर सकते हैं इसके लिए। सो ऐसा कुछ रहता है परफ्यूम एंड मेरे को तो ये पूरा बिगड़ा हुआ दिया है, सो मेरे को इसको चेंज करवाना पड़ेगा बिकॉज स्प्रे ही नहीं हो रहा है, तो इसको कर देते हैं पैक एंड इसको रिटर्न करना पड़ेगा अभी। एंड अभी आप लोगों को पूरा टूर देता हूँ कि एंड सभी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैंने क्या क्या डलवा है आफ्टर मार्केट एसेसरीज में। चीज़ ये है कि हम लोगों ने आज परचेस करा है सन वाइप्स, ये भी एक आफ्टर मार्केट है। एंड दूसरी बात हम लोग करते हैं परफ्यूम की, जो कि हमें मिला है बिगड़ा हुआ उसको रिटर्न करना पड़ेगा। एंड ये भी कुछ हम लोगों ने परचेस करा है बाहर से, तो मोटे मोटे करके हम लोगों को कुछ अराउंड 4 या 5 आइटम्स परचेस करी है बाहर से इस कार में इंस्टॉल करी है, जो कि काफ़ी बेसिक नीड है एंड हर एक कोई करवाता है। एंड अभी आप लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ कि 70 mat जो कि मेरे अभी सिंपल ही पड़े हुए हैं, मैं अभी इसमें सोच रहा हूँ कि लैमिनेशन करवाऊँ नीचे या 70 डलवाऊँ बिकॉज मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ एंड 70 काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है वैसे तो, एंड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है 70 क्योंकि मेरे फ्रेंड की हरियर में भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, मेरे को इसका अंदर से लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है 70 mat का। तो आप लोग मेरे को रेकमेंड करें कि कौन सा डलवाना चाहिए, 70 या ऐसे अंदर से लैमिनेशन करवा दूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब कुछ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। एंड मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए ह्यूंडई के जेन्युइन पार्ट्स लेने के लिए, जब भी आप लोग प्लानिंग करते हैं आफ्टर मार्केट कुछ डलवाने के लिए, जो भी आप लोगों को अंदर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ टाइम में ख़राब हो जाएगा, लाइक क्रोम वाला कोई पार्ट हो और ये सब कुछ, मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली जाना आप लोगों को जाना चाहिए हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स के स्टोर में एंड वहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छे प्राइस में वैसे तो मिल जाता है, कंपेरेटिव आफ्टर मार्केट प्राइस आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी बट 19-20 का फ़र्क भी लगेगा क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है हुंडई की कंपेरेटिव आफ्टर मार्केट, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैंने स्कफलेट और ये सब कुछ देखा है उसके ऊपर जंक आ जाता है, वो की होती है आफ्टर मार्केट एंड सस्ती, लाइक 500-400 की भी मिलती है, बट मैं आप लोगों को वो रेकमेंड नहीं करता हूँ। एंड मैट्स और ये सब कुछ आप लोगों को बाहर से डेफिनेटली मिल ही जाएगा अच्छी प्राइस में, वो आप लोग डलवा सकते हैं, बट आपकी कार को हार्म ना हुए ऐसी कोई चीज़ डलवानी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली चला जाइए ह्यूंडई के जेन्युइन पार्ट्स स्टोर में, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी वारंटी भी रहती है, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट भी रहता है वो लोगों पे, क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम में कुछ भी हो आपकी कार में तो आप लोग क्लेम भी कर सकते हैं वो लोगों पे। सो आई होप आप सबको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा गाइस एंड
थैंक यू फॉर द लवली कॉमेंट्स एंड लवली रिस्पॉन्स इन लास्ट प्रीवियस वीडियो गाइज. जब भी से हमारी कार आई है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स दिया है वीडियो में एंड काफ़ी सपोर्ट भी किया है. सो थैंक यू फॉर दैट गाइज एंड मिलते हैं नई वीडियो में. टिल देन बाय. एंड आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएंगे हमारे ट्रैवल वीडियो भी एंड आप लोग वो भी एंजॉय करेंगे डेफिनेटली. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. मिलते हैं नई वीडियो में. टिल देन बाय. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग.